हेलो दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में इग्नू की 16 अपडेट्स देने वाला हूं जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि सभी अपडेट्स जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, इग्नू के सभी ऑफिशियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर मुझे इंस्टेंट अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहली अपडेट पर चलते हैं। जैसा कि आपको पता है रिजल्ट डिक्लेरेशन चल रहा है, जो है रिजल्ट की अपडेट 3 अपडेट आ चुकी हैं लेकिन अभी तक कोई नेक्स्ट अपडेट नहीं आई। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे नेक्स्ट अपडेट कब आएगी, तो इस बीच कल या परसों तक एक अपडेट और आने वाली है, तो उसमें भी अपना रिजल्ट चेक करिए। जिनका रिजल्ट अभी नहीं दिखा रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो घबराने वाली बात नहीं, कई सारी अपडेट्स आएंगी, पेशेंस रखे, अपडेट्स में आज जो आती रहेंगी उसमें चेक करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स है उसका जो है एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है, 10 सितंबर लास्ट डेट है, आप भर लीजिए फॉर्म। और उसका अभी टेंटेटिव जो है शेड्यूल आया हुआ है एग्जाम कब कब होने वाले हैं, तो इसमें देख लीजिए जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स है इसमें यहाँ मेंशन है और कब कब ये मॉर्निंग सेशन कौन सा रहने वाला है। इवनिंग सेशन सेम वही है जिससे पहले एग्जाम इग्नू के ट्रेडिशनल मोड वाले होते हैं वैसे ही है, बट इसमें क्या है कि सब्जेक्ट्स कम है तो उसकी लिस्टिंग भी कम है, तो अभी टेंटेटिव डेट सीट देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट चलते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है अभी एक हालांकि ये स्टूडेंट्स के लिए लिए नहीं है, बट इग्नू इसमें जो है काफ़ी लीड रोल कर रहा है। NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काफ़ी सारे टीचर्स और इग्नू का पूरा जो है सहयोग है इसमें प्रोग्राम डेवलपमेंट करने में, उसकी वेबसाइट बनी है इसमें, और भी जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। जो टीचर्स हैं एलिजिबिलिटी वगैरह के लिए यहाँ ब्राउजर डाउनलोड करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है डिफरेंट रीजनल सेंटर से लगातार अब आएंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल असाइनमेंट और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होने वाली है लगातार, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दिन नहीं बचे हैं, ख़त्म होने वाले हैं, और काफ़ी सारे प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम होने वाले हैं, तो प्रैक्टिकल वगैरह सब आपका शेड्यूल जारी होना शुरू हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट जो है वो शिलांग रीजनल सेंटर से है, उन्होंने BLI 227 का प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी किया है, जो भी शिलांग रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं इस प्रैक्टिकल शेड्यूल को देखें और अटेंड करें। नेक्स्ट अपडेट है कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से, यहाँ पे जो है एक गाइडलाइन जारी किया गया है, वो है कि जो असाइनमेंट सबमिशन का जिनका इशू आ रहा है, कोई भी जो है मार्क्स नहीं लग रहे हैं, तत्काल जो है रिस्पांस के लिए ये ईमेल आईडी दिया गया है, तो इस पर ईमेल करें। असाइनमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई शिकायत है समाधान के लिए, मतलब इंस्टेंट समाधान त्वरित, इसमें जो है असाइनमेंट के लिए आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं कोलकाता रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट है। नेक्स्ट अपडेट नागपुर रीजनल सेंटर की, यहाँ पे इग्नू ने एक प्रोग्राम और लॉन्च कर दिया है, PG डिप्लोमा इन अमेरिकन लिटरेचर, इसका एक वीडियो जारी किया गया है, इस वीडियो को आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, तो आप इसको अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो लीजिए एडमिशन। नेक्स्ट अपडेट जो है पणजी रीजनल सेंटर की तरफ से, पणजी ने BLI 227 का प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी किया है बैच वाइज, यहाँ पे क्लिक करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। जबलपुर रीजनल सेंटर ने 227 BLI 227 का जो है प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी किया है, तो यहाँ पे जो है क्लिक करके यहाँ पे शेड्यूल पूरा डाउनलोड करके देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिस्ट आ चुकी है, तो यहाँ पे जबलपुर के जो भी स्टूडेंट है ये शेड्यूल देखें और अपना प्रैक्टिकल अटेंड करें। नेक्स्ट अपडेट करनाल रीजनल सेंटर की तरफ से, करनाल रीजनल सेंटर की तरफ से एक शेड्यूल आया है जो है BLI 227 के लिए, यहाँ पे पूरा डिटेल में स्टडी जो है स्टडी सेंटर वेन्यू के साथ में यहाँ पे लिस्ट दे दिया गया है, स्टूडेंट का नाम मोबाइल ईमेल सब कुछ दे दिया गया है, तो यहाँ पे अपना जो भी BLI 227 के स्टूडेंट हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे और अपना प्रैक्टिकल अटेंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट Delhi 3 रीजनल सेंटर की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है नोटिफिकेशन आए हैं, काफ़ी ज़्यादा जारी किया गया है, तो इसमें है कि पहला नोटिफिकेशन जो है क्लासेस BSc और GNMSc प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल क्लासेज हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आया है और इसका शेड्यूल भी जारी किया गया है, तो प्रैक्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, BSc G का है और आपका MSc इन्वायरमेंटल साइंस का है, तो दोनों स्टूडेंट यहां पे देखेंगे। और एक नेक्स्ट अपडेट इसी रीजनल सेंटर से है, बैचलर में एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, हालांकि ये ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स के लिए इग्नू की तरफ से लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे भी अपडेट किया गया है बैचलर डिग्री एंड फैसिलिटी एंड सर्विस मैनेजमेंट, इसके बारे में पहले भी मैंने बताया था जब ये प्रोविजन में आया था, तो अभी क्या है लॉन्च हो चुका है, इस सेशन से भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जो है इंटरेस्टेड है बैचलर डिग्री फैसिलिटी एंड सर्विस मैनेजमेंट, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, 10,500 पर एनम फीस है इसकी, इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है, ठीक है, तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है, 10+2 जो है इसकी एलिजिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है और क्या क्या कंटेंट होने वाले हैं, और डिटेल में जानकारी के लिए यहाँ पे इनके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का नाम मोबाइल नंबर ईमेल दिया है, तो वहाँ पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है दिल्ली रीजनल सेंटर से है, BSc
जी भैया, बीएससी जनरल एंड बीएससी बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया, गूगल फॉर्म आया है, तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल के लिए नहीं रजिस्टर किए हैं अभी तक, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओल्ड न्यू सभी के लिए यहाँ पे, बीएससी ओल्ड पैटर्न के लिए भी है और न्यू जो है उन सभी के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बीएससी प्रैक्टिकल का ये जो है रजिस्ट्रेशन करना, तो जो भी स्टूडेंट है फटाफट रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। नेक्स्ट अपडेट है देवघर रीजनल सेंटर की तरफ से, यहाँ पे BRI 227 प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी किया गया है। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है, प्रैक्टिकल स्टार्ट भी हो चुका है 28 से, कुछ प्रैक्टिकल जा भी चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट बचे हैं अपना प्रैक्टिकल का शेड्यूल देखें और अटेंड करें। नेक्स्ट अपडेट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से हालांकि जारी किया गया था, लेकिन ये जो है EMPC की जो है इग्नू का चैनल है EMPC-IGNOU, इस पे आप जाके सब्सक्राइब करके ये सारी वीडियोस देख लीजिए। इन सारी वीडियो को का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा। ये सारा जो है इन प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल में समझाया गया है, तो यहाँ पे इन प्रोग्राम्स की जो है डिटेल में वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट जो है आपके चेन्नई रीजनल सेंटर से, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, इसका नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, तो अभी सभी रीजनल सेंटर पर लगभग इसको अपडेटेड मिलेगा, आप देख सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है RC दरभंगा की तरफ से BLI 224 and 229 का प्रैक्टिकल का यहाँ पे शेड्यूल एग्जामिनेशन का जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ गूगल फॉर्म भी दिया गया रजिस्टर करने के लिए, तो आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट किए जो भी जिन भी स्टूडेंट का जो है बचा हुआ है। तो नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपडेट अलीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से है, इसमें MBA का एक फ्लो चार्ट बनाया गया, पूरा कंप्लीट गाइडेंस दिया गया। MBA जो न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया गया, काफी सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं इसमें, तो पूरा डिटेल में आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, कैसे एडमिशन, कब से, उसके बाद क्या क्या होता है, पूरा फ्लो चार्ट बनाया गया है, डिटेल में समझाया गया है। MBA के जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे जो अपना रजिस्ट्रेशन जो भी कर रहे हैं इग्नू में, ये फ्लो चार्ट अपने मोबाइल में रखें और कैसे कैसे क्या क्या चीजें आगे आपको फॉलो अप करनी है, पूरा डिटेल में समझाया गया है और काफी अच्छे तरीके से बनाया भी गया है इग्नू की तरफ से। तो इसको आप देख के आप जानकारी, काफी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्या क्या होने वाला, क्या एलिजिबिलिटी है सबका, इसमें कोर्स वाइज सब डिटेल दी गई है, कंप्लीट जो है MBA के प्रोग्राम का गाइडेंस इसमें दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं जो है MBA प्रोग्राम इग्नू के, ये फाइल आप अपने पास रखिए और डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट था आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर इसमें भी कोई सवाल है, कोई जो है कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए। बहुत सारे स्टूडेंट वॉच करते हैं चैनल को पर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी तरह की अथेंटिक इन्फॉर्मेशन इग्नू से रिलेटेड आपको मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए भी मत जाइएगा। वीडियो पसंद आई हो यहाँ तक अगर आप देख चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।